हाय एवरीवन, टुडे इज़ 8 अगस्त और एग्जैक्टली एक महीने पहले हिमाचल में फ्लड्स के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था एंड वी गॉट रेस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ NDRF टीम. वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू देम एंड वी हैड टू वर्क अ लॉट टू रीच समवेयर जहाँ से हमको कार व्हीकल कुछ भी मिलता. हमें अपनी गाड़ी शांगर में ही छोड़नी पड़ गई थी और फाइनली अब हम जा रहे हैं फिर से शांगर लैंडस्लाइड्स के वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी एंड वी कुड नॉट गेट अ कार. तो हम कार वहीं छोड़ के आ गए थे एंड नाउ इट्स 1 month, एग्जैक्टली 1 month, और अब हम जा रहे हैं वापस से शांगर टू गेट अ कार बिकॉज आगे भी बारिश होने वाली है. अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं आई है. So to get a car we have to go as soon as possible. और आज हम 4 लोग जा रहे हैं, मैं, तन्मोय, सुमी और हिमांशु. इससे पहले हम आगे बढ़े व्लॉग में, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ पिछली बार जब हम फंसे थे और अब हम गाड़ी लेने अपनी वापस जा रहे हैं, बिकॉज़ ये ही एक ब्रैकेट है जब हम लेके आ सकते हैं बिकॉज़ आगे भी बहुत सारी बारिश होनी है. तो हम देखते हैं. बाकी सब सेफ है, मनु भाई प्रेरणा जी दोनों सेफ है. हम ये सर रहेंगे सबसे पहले हमारे. हम देखिए इस चेहरे को ध्यान से. ये जुर्मी समोसा खा था, वहाँ चाबी छोड़ चुका है घर पे और नाम मुझ पे लगा दिया है दुनिया. आलमपुर से शांगर तक का डिस्टेंस कवर करने में ऑलमोस्ट हमको जर्नली 5 आवर्स लग जाते हैं. अभी पता चलेगा कितने आवर्स लगने वाले हैं. बाकी हम लोग 1.5 घंटा आगे आ चुके थे और हमारी कीज़ रह गई थी तो हमें वापस घर जाना पड़ा. हम पालमपुर से रूट करते हुए रास्ते में आए. बसेस बहुत कम चल रही है, हमको काफ़ी वेट करने के बाद एक एक बस मिल रही. काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है बीच बीच में क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रखी है. अभी की कंडीशन देख के मैं ये कह सकती हूँ कि पहाड़ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुके हैं. इफ़ यू सी देम, एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर इतनी सी जगह पे खड़ा है एंड अ मोमेंट एंड इट विल गो डाउन. इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस शांगर के लिए फ्रॉम आलमपुर 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, बट आज हमें 6 से 6, 12 घंटे लग चुके हैं. हमने और से शांगर तक के लिए टैक्सी ली है और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. जो जो रास्ता खोला है वो सिर्फ इसलिए खोला है कि कोई किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, बाकी ट्रैवल पर्पज़ के लिए ये रास्ते भी नहीं खुले हैं. बल्कि पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मनाली डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए आपको कुल्लू और मंडी से जाना पड़ेगा, वो पूरा अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है. कीचड़ कीचड़, ये सारा रूट गया है गाइस. तुम आगे चलना, जैसे फंसोगे धक्का मार दूंगी. एक बार फिर हम आ चुके हैं प्लान स्पॉट कैफे एंड होम्स और अब के बार हम अपनी गाड़ी वापस लेने आए हैं क्योंकि हमें गाड़ी यहाँ पे छोड़नी पड़ गई थी और हमारी कार सेफ है और लेट्स गो. गाइस हम आ चुके हैं शांगर. गाइस हम आ चुके हैं शांगर आफ्टर 12 आवर्स ऑफ जर्नी और गुरखा हमारी सही खड़ी है. डीजल हम लेके चले हुए हैं और कल निकलते हैं वापस बैक टू होम अपनी गाड़ी लेके.
तो अब सुबह हो चुकी है, मौसम खुला हुआ है थैंकफुली, और दो दिन में वापस से बारिश पड़ जाएगी। तो आई थिंक दिस वाज द ओनली ब्रैकेट जब हम अपनी गाड़ी लेने आ सकते थे, और इसके बाद कॉन्टीन्यूसली बारिश है एंड वी हैव नो क्लू कि कितना डैमेज होने वाला है। और एप्पल्स ले लेते हैं बिकॉज वी हैव टू गो बैक टू होम, और हमें गाड़ी से वापस जाने में 5-7 घंटे जो भी लगेंगे। उससे पहले मैं और हिमांशु आज थोड़ा वॉक करने गए थे बिकॉज टॉन और सुमी को थोड़ी पैकिंग करनी थी, और हिमांशु तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाए थे जब से वो आए थे, क्योंकि रोज़ बारिश हो रही थी और फ्लड चल रहा था। तो आज मैं और हिमांशु थोड़ा सा वॉक करने गए थे जंगल में सुबह सुबह उठ के, और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे अपना ब्रेकफास्ट करके बैक टू आलमपुर। And it's pretty, but the roads are deadly, so don't come. As if not, don't come. Then let the mountains heal a bit, and then you can come. मैं और हिमांशु जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग घी जरूर लेके आते हैं हिमाचल में, और हमने यहाँ से ले लिया 4 किलो घी। Hello, so and Argentina is here, and we are going to try to get the Argentina. Let's go. टॉन एंड सुमी आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि प्राची और आदित्य बैग पिछली बार छोड़ के चले गए थे। अरे दोनों बैठ जाओगे ना। बारिश के पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था थ्रू आउट, बिकॉज इतनी ज्यादा कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी कि जितना भी लैंड है थ्रू आउट हिमाचल आप देखेंगे ना, मतलब लैंडस्लाइड्स नहीं है तो लैंड थोड़ा थोड़ा रोज थोड़े थोड़े तो बैठ गए हैं। अपनी गुरखा का ये इशू है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी व्हीकल है, तो रास्ते से निकलने के लिए इट्स क्वाइट हैवी है, छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ा साइज है इसका, वेट और लेंथ दोनों ही ज़्यादा है, और रोड्स अभी बहुत ही नैरो हो चुके हैं, और जो भी फिक्स भी करे वो भी बहुत नैरो, तो ये थोड़ा सा इशू आने वाला है आज हमें पूरी जर्नी में, बट होपफुली वी क्रॉस इट। थोड़े आगे जाते हमारे कार में कोई इशू आ गया था बिकॉज बहुत दिन से कार खड़ी हुई थी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 month से, और इसके स्टेयरिंग में कुछ इशू है, आई डोंट नो, थोड़ा सा शायद इसमें जो स्टेयरिंग ऑयल होता है वो कम था, अब वो डाल चुके हैं हम और हम आगे निकल गए हैं। अभी हमें पहले छोटी सी लैंडस्लाइड मिली जिसको जेसीबी क्लियर कर रही है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है अभी यहाँ पे। चलो चलो है जगह है, वेट नहीं है, वेट नहीं है, तो फिर इसे सब पी जाते पूरा।
बहुत आगे मेरी तरफ, बहुत आगे मेरी तरफ, अभी भी जगह है। Oh.
ऑगस्ट और अभी तक 3 बार फ्लड्स और बादल फट चुके हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहले से भी ज़्यादा। जितने आपने रोड्स का हालात देखा ऐसे ही रोड्स हो चुके हैं, और उसके बाद 2 बार और डिस्ट्रक्शन हो चुके, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हिमाचल के कितने सारे पार्ट्स का कैसा कैसा हाल हो चुका है। तो प्लीज़ 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 प्रे करिए, और प्लीज़ अगली बार से जब आप हिमाचल के बारे में सोचते हैं ट्रैवल करने का या कुछ भी, प्लीज़ चेंज योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टूवर्ड्स हिमाचल एंड उत्तराखंड। दे आर फ्रिजाइल एंड राइट नाउ वी आर होम। कीप हिमाचल इन प्रेयर्स। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर एंड कीप हिमाचल इन प्रेयर्स। थैंक यू सो मच।